अगला अध्याय सती का प्रश्न तथा उसके उत्तर में भगवान शिव द्वारा ज्ञान एवं नवधा भक्ति के स्वरूप का विवेचन। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर श्री शिव और सती के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न जान नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांधे बोली, देवदेव महादेव करुणा सागर प्रभु दीनों द्वार पारायण महायोगिन मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, रजोगुण तत्वगुण तथा तमोगुण से परे हैं, निर्गुण भी हैं सगुण भी हैं, आप साक्षी निर्विकार और महाप्रभु हैं। हर मैं धन्य हूँ जो आपकी कामनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई। स्वामी आप अपने भक्त वत्सल से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं नाथ। मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया है महेशान, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ और अब मेरा मन उधर से हट गया है देवेश्वर हर। अब तो मैं उन परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निरतिशय सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार दुख में अनायासी उद्धार पा सके। नाथ जिस कर्म के अनुष्ठान करके विषय जीव भी परम पद को प्राप्त कर ले और संसार बंधन में ना बंधे उसे आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए अब उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर से प्रश्न किया। तब उनके उस प्रश्न को सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले भगवान तथा योग के द्वारा भूख से विरक्त चित वाले स्वामी शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर सती से इस प्रकार कहा, देवी दक्ष नंदिनी महेश्वरी सुनो, मैं उसी परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। परमेश्वरी तुम विज्ञान के परातत्व को जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्मा के सिवा दूसरी कोई वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वदा शुद्ध हो जाती है। प्रिय वह विज्ञान दुर्लभ है, इस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई विरला नहीं है। वह जो और जैसा भी है वह सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षात परातत्व ब्रह्मा है। उस विज्ञान की माता है मेरी भक्ति जो भोग और मोक्ष फल प्रदान करने वाली होती है, वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को सदा सुख प्राप्त होता है, जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। देवी मैं सदा भक्ति के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। सती वह भी भक्ति 2 प्रकार की होती है, सगुणा और निर्गुणा, जो वैधि शास्त्रीय विधि से प्रेरित और स्वाभाविकीय हृदय से सहज अनुराग से प्रेरित भक्ति होती है वह श्रेष्ठ है तथा इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती है वह निम्न कोटि मानी गई है। पूर्वोक्त सगुणा और निर्गुणा ये दोनों प्रकार की भक्तियां नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से 2 भेद वाली हो जाती हैं। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्ठिकी 1 ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष बिहता और अबिहता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन विविध भक्तियों के बहुत से भेद प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है। प्रिय मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा दोनों भक्तियों के 9 अंग बनाए हैं। दक्ष नंदिनी मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। देवी श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन दास्य अर्चन सदा मेरा वंदन संख और आत्मसमर्पण, ये विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने हैं। शिवे भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए गए हैं। देवी अब तो मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वोक्त 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो। वे लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं,
जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटों से उसके अमृत का पान करता है, उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं। जो हृदय अवकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उद्ध स्वर्ग से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। देवी, मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है उसी को स्मरण कहा गया है। अरुणोदय से लेकर हर समय सेवी की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदय अमृत के भोग से सदा स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहलाता है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य आदि 16 उपचारों से जो समर्पण करना है उसे अर्चन कहते हैं। मन से ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों का उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है वह सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना संख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी कही जाने वाली वस्तु है वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए भी कुछ बचाकर ना रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है। ये मेरी 9 भक्ति के अंग हैं, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनमें ज्ञान का प्राकट्य होता है तथा ये सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी भक्ति में बहुत से उपांग भी कहे गए हैं, जैसे बिल्व आदि का सेवन करना, इनको विचार से समझ लेना चाहिए। प्रिय, इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। यह सदा सब साधनों के ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्म के फल की प्राप्ति होती है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में निरंतर यह भक्ति निवास करती है वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। देवेश्वरी, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान कोई दूसरा सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो यह विशेष सुखद और सुविधाजनक है। देवी, कलयुग में यह प्रारह ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए वे दोनों वृद्ध उत्साह शून्य और जर्जर हो गए हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली होती है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उनके वश में रहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को दूर हटाता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित हो जाने अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी दग्ध कर डाला है। प्रिय, भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रुद्ध हो उठा था और शूल लेकर मैंने उन्हें मार भगाया था। देवी, भक्त के लिए मैंने सैन्य सहित रावण को भी क्रोध पूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। सती देवेश्वरी, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। मुनि, सती देवी ने पुनः भक्ति काल विषय शास्त्र के विषय में भक्ति पूर्वक पूछा। उन्होंने जिज्ञासा की कि जिस लोक में सुखदायक और जीवों के उद्धार के साधनों का प्रतिपादक है वह शास्त्र कौन सा है। उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र, उसके महात्म तथा जीव उद्धारदायक धर्ममय साधना के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर भगवान शंकर के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने 5 अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र,
तथा भिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। मुनीश्वर, इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्तों का, महिमा का, वर्णा आश्रम धर्मों का तथा राजधर्मों का भी निरूपण किया। पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा का, कभी न नष्ट होने वाले वर्णाश्रम धर्म का और जीवों को सुख देने वाले वैदिक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम सामुद्रिक शास्त्र का तथा बहुत से शास्त्रों का स्वतः वर्णन किया। इस प्रकार लोकोपचार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले त्रिलोक सुखदायक और सर्वज्ञ सती शिव हिमालय के कैलाश शिखर पर तथा अन्य स्थानों पर नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। वे दोनों दंपति साक्षात परब्रह्म स्वरूप हैं।